तो आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल 2002 के गेट के पेपर में आया है। क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये आपको एक 4x4 की डिटरमिनेंट गिवन है और उसका वैल्यू पूछा है। चार ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 300। सोचिए अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा। पहले वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक x के इक्वल मानेगा, देन उस x की वैल्यू निकालेगा बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचे हुए एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेगा। सेम प्रोसीजर वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के साथ करेगा। ये पूरा प्रोसेस करने में उसको मिनिमम 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम एक क्वेश्चन पे देने के लिए नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड। मेथड सेकेंड बोलता है कि अगर आपने ये वाली बात नोटिस कर ली कि ये डिटरमिनेंट एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है, तो ये क्वेश्चन आपका लेस देन 1 मिनट का हो गया। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल है, इन तीनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है, जिनका प्रोडक्ट वैल्यू हो जाएगा 1, विच इज ऑप्शन सी। काफी सारे कॉम्पिटेटिव पेपर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये वाली ट्रिक वहां पे अप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा।